ओम शांति। आज 1 सितंबर 2020 के दिन साकार बाप दादा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने समझाया, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, तो कर्म अकर्म होते हैं और पतित होने से कर्म विकर्म होते हैं। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, कहाँ होती हैं दोनों पवित्र? सतयुग में, सतो प्रधान अवस्था में, तो बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह हमारा हर कर्म अकर्म होता है और पतित होने से विकर्म होते हैं। प्रश्न है, आत्मा पर कट यानी जंक चढ़ने का कारण क्या है और कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या है, कट चढ़ी हुई है तो वो कैसे दिखाई देगी वो आत्मा, तो उसकी निशानियां क्या दिखाई देंगी? बाबा ने समझाया, कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है, अभी तक जंक चढ़ी हुई है, तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। ये बाबा ने कहा, वो खींचती रहेगी उसको पुरानी दुनिया, बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी और याद में रह नहीं सकेंगे। ये कट चढ़े हुए की विशेषताएं हैं, जो माया की गिरफ्त में है, जंक लगी हुई है, अभी तक आत्मा क्लीन हुई नहीं है तो वो कैसी दिखाई देगी? पुरानी दुनिया उसको आकर्षित करेगी, बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी और याद में फिर अधिक देर तक रह नहीं सकते। ओम शांति। बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए हैं, ओम शांति का। ओम शांति कहने से ही यह निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं, हम तो शांति धाम की रहवासी हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म होता है एक अच्छा दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में, और रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन गए हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म ना होता हो, ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो समझते हैं, साधु संन्यासी आदि से विकर्म नहीं होते, पवित्र हैं उनसे विकर्म नहीं होते हैं, लेकिन वह पवित्र रहते, क्योंकि वह पवित्र रहते हैं, संन्यास किया हुआ है, इसीलिए मनुष्य विश्वास करते हैं कि उनसे तो विकर्म हो नहीं सकते। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता ये बिल्कुल नहीं जानते। कहते भी हैं कि हम पतित हैं और पतित पावन को बुलाते हैं। जब तक वह ना आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती। यहाँ यह पतित पुरानी दुनिया है, इसीलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। अभी बैठे पतित दुनिया में हैं, बाबा ने ज्ञान समझा दिया, इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। लेकिन जब पावन दुनिया में जाएंगे, वहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि तुम पहले पतित दुनिया से आए हो, वहाँ हमारा पास्ट होता ही नहीं, इसीलिए वहाँ पतित दुनिया को हम याद नहीं करेंगे। तो वह दुनिया ही अलग है। हर एक चीज नई से पुरानी होती है। नई दुनिया में एक भी पतित
हो ना सके। नई दुनिया का रचयिता है परम पिता परमात्मा, वही पतित पावन है। उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए। पतित से पावन, बाबा ने कहा पतित से पावन, पावन सो पतित। यह बातें दुनिया में किसी की बुद्धि में बैठ ना सके। कल्प कल्प बाप ही आकर समझाते हैं। तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तुम बच्चों में भी कई ज्ञान सुना, धारणा की, वैराग भी आया दुनिया से, निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। माया एकदम हप कर लेती है। तुम महारथी हो ना, महारथियों को ही भाषण करने के लिए बुलाते हैं, भाषण पर बुलाते हैं। महाराजाओं को भी समझाना है, तुम ही पहले पावन पूज्य थे। महारथियों को, बड़े बड़े महाराजाओं को समझाने के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, उनको समझाना क्या है, बाबा ये भी समझा रहे हैं कि तुम पहले पावन पूज्य थे, अभी तो ये है ही पतित दुनिया। लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, ये भी तो महाराजा महारानी है ना, और तुम भी महाराजा महारानी हो, तो और क्या समझाएं। पावन दुनिया में भारतवासी ही थे, तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज, संपूर्ण निर्विकारी थे। महारथियों को तो ऐसे ही समझाना होगा ना, इस नशे में, इस नशे से समझाना होता है। भगवानुवाच, काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बनेंगे। अब जो भी समझाते हैं वह तो काम चिता पर बैठ ना सके, परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते और खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं। कभी बाबा कहेंगे काम का हल्का नशा आ जाता है, सेमी नशा, कभी पूरे चिता पर बैठ जाते हैं। आज यह समझाते कल विकार में गिर पड़ते। माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो। औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं और फिर पछताते हैं कि ये क्या हुआ। ये बॉक्सिंग है ना, स्त्री को देखा और कशिश आई और काला मुंह कर दिया, क्या कर दिया ये। स्त्री को देखा, शरीर पर मोहित हुए, शारीरिक दृष्टि गई, और फिर बाबा कहते कशिश आई, काला मुंह कर दिया। माया बड़ी दुष्टर है, प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं। कितनी बार बाबा के सामने प्रतिज्ञा की है, हम आपके ही बनकर रहेंगे, फिर गिरते हैं, तो कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाबा तो क्रिमिनल आई के लिए भी कितना कहते, काम चिता तो बहुत बड़ी बात है, तो कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। यह तो जैसे शूद्र समान पतित हो गया, तो गाया भी हुआ है, अमृत पीकर फिर बाहर में जाए, दूसरों को सताते हैं। बाबा के घर आए, अमृत पिया, ज्ञान अमृत पिया, और लेकिन असर नहीं हुआ, फिर बाहर जाकर दूसरों को सताते थे, असुर गंध करते थे। ताली 2 हाथ से बजती है, 1 से तो बज ना सके, फिर दोनों ही खराब हो जाते हैं। फिर कोई तो समाचार देते हैं, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार ही नहीं देते। समझते हैं कहीं ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम ना हो जाए। अरे नाम तो खत्म हो ही गया, चरित्र खत्म हो गया, बाबा का नाम बदनाम हो गया, तो सिर्फ बाहर का नाम क्या रखा फिर। तो ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम ना हो जाए। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है,
अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया, वो पहलवान युद्ध में हार गया, ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है ना, गिरते हैं बड़ी मंजिल से, माया थप्पड़ मारती है। अब तुम बच्चे समझाते हो, जो सतो प्रधान गोरे थे वही काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान बने हैं। जो सतो प्रधान गोरे थे वही काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान बने हैं। राम को भी काला बनाते हैं, नीला है ना, शंकर जी को, राम जी को, विष्णु जी को, चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं, परंतु मुख्य मुख्य की बात ही समझाई जाती है ना। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है, उनसे पूछना चाहिए कि काला क्यों बनाया। यहाँ माउंट आबू में शायद बाबा बता रहे, रघुनाथ मंदिर है, मशहूर है वहाँ रघुनाथ मंदिर, तो उस रघुनाथ टेंपल में भी बिल्कुल काला चित्र बनाया, काली मूर्ति बनाई है राम जी की। तो बाबा कहते यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है, उनसे पूछना चाहिए कि काला क्यों बनाया। कह देंगे यह तो ईश्वर की भावी है, उसी की मर्जी है, ऐसी बात बोलते हैं। बाबा ने कहा ये तो चलता ही आता है, क्यों होता, क्या होता, ये सब कुछ नहीं जानते। अब तुमको बाप समझाते हैं, काम चिता पर बैठने से पतित दुखी वर्थ नॉट ए पैनी बन जाते हैं। वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया, तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। यह सूर्यवंशी, यह चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनना ही है, फिर शूद्र बन जाएंगे। वाम मार्ग में आने से फिर वह देवता नहीं कहलाते। जगतनाथ के मंदिर में ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते हैं, ड्रेस देवताओं की है, लेकिन एक्टिविटीज बड़ी गंदी दिखाते हैं, उनके गंदे एक्शन, ऐसी मूर्तियां और शरीर पर कपड़े नहीं, गहने पहने हुए हैं सिर्फ, ऐसे ऐसी मूर्तियां बनाई हैं। तो ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते, ड्रेस देवताओं की है, एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, ऐसे ऐसे चित्र और मूर्तियां बने हुए हैं, तो आप जाके उन पर समझाओ। बाबा कहते मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, श्रीनाथ द्वारे में, वो भी मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहां भी समझा सकते हैं। पूछना चाहिए कि इनको काला क्यों दिखाया है, पूछना चाहिए काला क्यों दिखाया। किसी पंडित, वहां के महंत, बड़े महारथी, ज्ञानी, उपदेशक, किसी को इस बात का ज्ञान नहीं है, आप ही समझाएंगे ये बात कि इनको काला क्यों बनाया है। ये समझाना तो बहुत अच्छा है। वह है गोल्डन एज, ये आयरन एज है, कट चढ़ जाती है ना, अभी तुम्हारी कट उतर रही है, कट चढ़ी हुई है और कट चढ़े हुए ने उनकी मूर्तियां बनाई है, तो इसीलिए फिर वैसी ही बनाएंगे। तो अभी तुम्हारी कट उतर रही है, जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती, बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। अभी कट उतरी नहीं है तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। सबसे बड़ी कट चढ़ती ही है विकारों से, काम विकार से, बाबा ने उसी को डिटेल किया आज। पतित भी उनसे ही बने हैं, अपनी जांच करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं क्रिमिनल आई में, बाबा कह रहे अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं।
अभी तुम बच्चों को यह समझ मिली है, मुख्य बात है ही पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर ही झगड़े चलते आए हैं। बाप ने ही यह युक्ति रची है। सब कहते थे कि हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पतित से पावन बन नहीं सकते। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाबा कहते यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ पावन बन रहे हैं फिर कहाँ जाएंगे। लोग समझते हैं मोक्ष मिल जाएगा, बहुत पवित्र बन गए, इनकी आत्मा का शुद्धिकरण हो गया, अब इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, वो ऐसा समझते हैं। और बाबा ने बिल्कुल क्लियर ज्ञान दिया, बहुत लॉजिकल ज्ञान, कि कहीं किसी को मोक्ष मिलता ही नहीं है। अगर मोक्ष मिल गया होता तो फिर वो कभी नीचे आके कैसे बताता कि कैसे मोक्ष मिलता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिसको मिल गया वो कभी आया ही नहीं बताने के लिए। और जो दुनिया में बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, इससे मोक्ष मिलेगा, उनको मिला ही नहीं हुआ, वो कैसे बता सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वो समझते हैं आत्मा पवित्र हो गई, फलाने ने मोक्ष को पाया। उनको क्या पता कि अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रिया कर्म आदि भी नहीं कर सकते। यहाँ जोत आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधियारे में ठोकरे ना खाए, आत्मा आराम से चली जाए। जोत जगाते, दीपक जगाते कि अंधियारे में ठोकरे ना खाए। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, एक सेकंड की बात है, उसका पथ रोशन ही है, वो खुद रोशनी है, तो अंधियारा फिर कहाँ से आया। शरीर को जरूरत होती है अंधियारे रोशनी, इनकी परख होती है, अंधियारा फिर कहाँ से आया, ये तो रस्म चली आती है। तुम भी करते थे, अब कुछ नहीं करते हो, तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया। ये सब करते थे, श्राद्ध खिलाओ और ऐसे करो, बहुत सारे क्रियाकर्म करते थे। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया, वहाँ ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं है। समझो कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, रिद्धि सिद्धि ऐसी कि हवा में उड़ने लगे, जमीन से उनके पांव उठने लग जाते हैं। बाबा कहते फिर क्या, हवा में उड़ना भी शुरू कर दिया तो भी क्या, उससे फायदा क्या मिलेगा। इतनी बड़ी बात को भी बाबा कहते फिर क्या हो गया, है ना। किसी को साक्षात्कार एक सेकंड भी हो जाए तो वो निहाल हो जाते हैं। बाबा कहते भले रोज साक्षात्कार हो तो भी क्या फायदा, उससे देवता नहीं बनेंगे। ऐसे ही रिद्धि सिद्धि की, कोई को पंख आ जाते, उड़ने लगते हैं, फिर क्या, उससे फायदा क्या मिलेगा। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह योग अग्नि है जिससे पतित से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी पवित्र, और ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है, भोगी की कम, क्योंकि भोग में काम वासना में आयु खत्म हो जाती है, बहुत घटती है आयु। योगी की आयु बड़ी होती है। बाप के घर में ही देखें कितने सब आराम से 85-90 तक तो सब बहुत अच्छे स्वस्थ दिखते रहते हैं, है ना। दादी देखो, अपने दादी जान की 104 की आयु तक कितने अच्छे रहे। तो योगी की आयु हमेशा बड़ी होती, भोगी की कम। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, ईश्वर की याद से कृष्ण बना है। उनको स्वर्ग में कोई योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहां सब एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। वह तो प्रिंस है, पास्ट जन्म में
ऐसा कर्म किया है जिससे यह बना है, कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ने समझाई है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य, विकार में जाना यह सबसे बड़ा पाप। तो सब भाई बहन है ना, बाबा कहते आत्माएं सब भाई भाई हैं, भगवान की संतान होकर फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे करते हैं? हम बी के विकार में जा नहीं सकते, किसी को विकारी दृष्टि से देखना भी क्रिमिनल असॉल्ट है। बाबा कहते इस युक्ति से ही पवित्र रह सकते हैं। ये बार बार स्वयं को याद कराना, हम बी के भाई बहन हैं, हम विकार में जा नहीं सकते, तो ये युक्ति से ही पवित्र रह सकते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है। उसको कहा जाता है घर घर में सोझरा। तुम्हारी ज्योत जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, सतयुग में सब पवित्र हैं। बाबा ने कहा सतयुग में सब पवित्र ही रहते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है, सब एक जैसा नहीं समझा पाते, नंबरवार ताकत रहती है। बाबा ने कहा नंबरवार ही याद में रहते हैं। राजधानी कैसे स्थापन होती है कोई की बुद्धि में यह नहीं होगा। तुम सेना हो ना, जानते हो याद के बल से पवित्र बन, हम राजा रानी बन रहे हैं, फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। फर्क पड़ता है ना, जितनी पढ़ाई उतना सुख, यही तो भगवान पढ़ाते हैं। यह नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। और बाबा एक सिंधी डिश की बात करते हैं, चोब चीनी मिलता है तुम्हें, ताकत का माल मिल रहा है। चोब चीनी माना कुछ ताकत देने वाली चीजी, माजून जैसी। भगवान बगैर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएंगे? तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे, पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते हैं। देह अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। माया बड़ी जबरदस्त है, बाप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझ कर फिर भी कह देते ऐसे थोड़े हो सकता है। ऐसा समझ जाएंगे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आकर पढ़ा रहे हैं, बाहर जाते ही फिर संशय की बातें, भगवान कैसे आके पढ़ाएगा, ये तो ऐसे ही बोलते हैं। तो बाबा कहते फिर कह देते ऐसे थोड़ी हो सकता है, शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते, ये तो चालाकी है। ऐसी बातें भी बोलते हैं दुनिया में, ये चालाकी है, ऐसे भी बोल देते हैं। अरे इतनी दुनिया पवित्र रहे, किसी आम आदमी के कहने पे रह सकते हैं क्या? कितनों ने कहकर देखा, क्या नहीं चाहा। विवेकानंद जी भी ये चाहते थे ब्रह्मचर्य और पवित्रता, और कितने और बड़े बड़े संत हुए, महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, और योगी कितने हुए, सब चाहते थे किसी व्यक्ति के कहने पे लाखों लाखों आत्माएं पवित्र बने, संभव नहीं है। बाबा कहते ये लोग फिर बोलते ये तो चालाकी है, ऐसे भी बोल देते। बाबा ने कहा राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी, उनको बोलने दो, राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी। कहते हैं ना सच की बेड़ी, बेड़ी माना नाव, सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं, कितने विघ्न पड़ते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे नूरे रत्न,
शाम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग की अग्नि से विकारों की कट यानी जंक को उतारना है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। दूसरा पॉइंट है, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। आज वरदान दिया बाबा ने, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। और जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। तो जैसे आजकल एक ही स्टोर में सब चीजें मिल जाती है ना, तो बड़े बड़े दुकानें बड़े स्टोर्स होते हैं तो एक ही स्टोर में सब चीजें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो लेकिन सामना करने की नहीं है। सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए तभी सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। छोटी सी मम्मा की मुरली है, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। मातेश्वरी पुरुषार्थ और मातेश्वरी जी के महावाक्य है ये। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, यह अनादि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही फिर पुजारी बने, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। तो ये उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। फिर जिज्ञासु ने पूछा, मातेश्वरी मेरा भी ये प्रश्न उठता है कि जब यह ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आपे ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने का फायदा ही क्या हुआ। जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें। मातेश्वरी आपका कहना है कि यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो क्या अल्माइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है। वही वाला ड्रामा चल रहा है, पता नहीं कितने कल्प हो चुके, हजारों कल्प हो चुके होंगे। तो क्या खुद परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है। जैसे चार ऋतुओं में सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा। मातेश्वरी जी ने उत्तर दिया, बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की, हूबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है कि जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है।
क्योंकि याद नहीं रहता, नित्य नया लगता है। पहले तो अपने को भी ये शिक्षा नहीं थी, मातेश्वरी जी बोलते थे अपन को, बड़े प्यार से बोलते थे, पहले तो अपने को भी ये शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब नॉलेज मिली है तो जो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है, भले हूबहू कल्प पहले वाला चलता है, परंतु जब उनको साक्षी समझ देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई है, इसीलिए ऐसे नहीं समझना, अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़े ही क्यों, नहीं। ये बात वैसे कोई समझता है क्या कि फेल होना ही है तो पढ़े ही क्यों, नहीं। फिर तो ऐसे भी समझे कि अगर खाना मिलना होगा तो आप पे ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों है। तो वैसे हम भी देख रहे हैं कि अब चढ़ती कला का समय आया है, तो वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले लेवे। जैसे देखो, जब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तब उस डिग्री को हासिल करेंगे ना, अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत ही बर्बाद हो जाएगी। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता, जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। करके इतना पुरुषार्थ ना कर, दैवी रॉयल घराने में भी ना आवे, पर अगर कम पुरुषार्थ किया तो भी उस सतयुगी दैवी प्रजा में आ सकते हैं। पुरुषार्थ कैसा भी किया, मम्मा कह रही हैं, अगर दैवी रॉयल घराने में ना भी आए, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो उस सतयुगी दैवी प्रजा में तो आ सकते हैं। परंतु पुरुषार्थ करना अवश्य है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी, बलिहारी पुरुषार्थ की ही गाई जाती है। ओम शांति।